नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका आपको एक भी रुपए चार्ज नहीं देना है, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है। और आपको जो भी अपडेट आती रहेगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, उसका आप उस योजना का उस जॉब की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज ही हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तब उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था सीखो और कमाओ योजना, ठीक है। उसी के तंज पर एक दूसरी नई केंद्र सरकार द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो कौन सी वो योजना, उसकी हम जानकारी देंगे, उसमें आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, सभी जानकारी देंगे, उससे क्या लाभ होगा वो सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्रशिक्षण पाए और रोजगार से जुड़े यह योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। प्रशिक्षण पाए रोजगार से जुड़े युवाओं के पास निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोदय बोर्ड द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान करेगा प्रशिक्षण। ऑनलाइन आवेदन अगर आपको करना है तो 29 सितंबर 2024 आपकी लास्ट डेट यहां पर बताई जा रही है। अगर डेट बढ़ती है तो आपको जरूर अपडेट करेंगे, और अगर नहीं बढ़ती है तो आप 29 सितंबर से पहले पहले ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन की फुल प्रोसेस अगर हम आपको बताएंगे, उससे पहले आपको हमें कमेंट कर बताना होगा। अधिक से अधिक अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो कौन कौन से प्रशिक्षण मिल सकते हैं हमें निःशुल्क, तो चलिए हम इसकी वेबसाइट पर इंटर हो जाते हैं। वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। मध्य प्रदेश खाद्य तथा ग्रामोदय बोर्ड मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू यूजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कौशल विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आवेदकों के हेतु दिशा निर्देश, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, केवल ये मध्य प्रदेश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पूर्व में किसी भी शासकीय विभाग से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त अगर किया है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदक यदि ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसे ₹31 प्लस GST का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को प्रशिक्षण स्थानीय अथवा आवासीय प्रशिक्षण होने पर अन्य जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। आवासीय प्रशिक्षण में भोजन आवास निःशुल्क रहेगा। अगर आप दूसरे जिले जाते हैं तो आपको आवास मतलब रहने का आपको और भोजन का फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा, ठीक है। आवेदक को अपनी रुचि अनुसार प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर 3 ट्रेड का चयन करना होगा। उसमें से एक ट्रेड में प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। आवास गैर आवासीय प्रशिक्षण के दौरान आवेदक यदि प्रशिक्षण के बीच में छोड़ता है तो उस पर व्यय हुए राशि की वसूली आवेदक उसके परिवार से की जाएगी। जैसे आपको 3 महीने की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और 1.5 महीने में आप वापिस आ जाते हो, 1.5 महीने आपके ऊपर जो भी खर्च हुआ आपको वो जमा करना होगा। प्रशिक्षण उपरांत आवेदक को परीक्षा देना अनिवार्य होगा, जिसमें ग्रेड के अनुसार ABC आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को उत्तीर्ण होने पर शासकीय नियम अनुसार छात्रवृत्ति की प्राप्त पात्रता होगी एवं ग्रेड एवं 3D ग्रेड लाने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। अगर आप इसमें पेपर थी आपको जो प्रशिक्षण होगा उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होगा। अगर आप उसमें ABC ग्रेड के अंतर्गत आते हो तो आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता MIS कोर्स के अनुसार कोर्स की अवधि निर्धारित होगी, ठीक है। प्रशिक्षण हेतु इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 29/9/2024 से पहले पहले कर सकते हैं, ठीक है। इसका आवेदन कब से स्टार्ट हुए हैं, 20/9 से स्टार्ट हुए हैं, 29/9 तक भरे जाएंगे। केवल 9 दिन का आपको यहां पर टाइम दिया गया है। योजना से संबंधित कोई भी जानकारी है तो आप इसमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 07552552714। अब बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत खाद्य एवं ग्रामोदय बोर्ड द्वारा वित्त पोषण वाले उद्योग के समूह की जानकारी। योजना संबंधित अधिक जानकारी तो अपने जिले के उपसंचालक प्रभारी जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोदय बोर्ड के से संपर्क कर सकते हैं। इन यहां पर कौन से हम प्रशिक्षण ले सकते हैं, कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत ट्रेड अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव स्कीम अंतर्गत द्वारा स्वीकृत कोर्स शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। प्रशिक्षण की अवधि क्या रहेगी, अवधि घंटे और माह में रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये सभी घंटे हैं 500 घंटे, ठीक है।
प्लम्बर, अगर आप प्लम्बर का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आपको वो 500 घंटे प्रशिक्षण लेना होगा, मतलब वो 500 घंटे एक महीने में पूरा कर दें या 10 दिन में पूरा कर दें, ठीक है। पांचवी कक्षा उत्तीर्ण अगर आप हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। राजमिस्त्री में आप पांचवी कक्षा पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बटिक प्रिंटिंग स्पेशलिस्ट, कृत्रिम आभूषण निर्माण, कुतिंग बनाना, प्लेनिंग ऑन फ्लेम लूर, सभी में यहाँ पर पांचवी पांचवी है। सातवीं के लिए आपको लेदर फूड वियर ऑपरेटर साथ और टाई एवं डाई स्पेशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद करें तो ब्लॉक प्रिंटर की सातवीं के लिए आप पास हैं तो कर सकते हैं। बेसिक हेडमूल बीमिंग में आप आठवीं पास होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग का अगर आप सीखना चाहते हैं तो आठवीं पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन अगर आप बनना चाहते हैं तो उसमें आपको आठवीं पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन इंडस्ट्रियल अगर आप सीखना चाहते हैं तो आठवीं पास आपको होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने की मिल जाएगी। आठवीं के बाद दसवीं में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग अगर आपको सीखना है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। DTP एवं प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेदर फूड बियर, CNC मशीन ऑपरेटर, रिटेलर, सेल एसोसिएट, एडवांस फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनर, अगर आप बेकरी का काम सीखना चाहते हैं तो 12वीं पास आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दोना पत्तल बनाना चाहते हैं तो आपको साक्षर मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, या वो पहली हो दूसरी हो, सिर्फ पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। और मधुमक्खी पालन अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों 40 ट्रेड दिए गए हैं। इन 40 ट्रेडों में से किन 3 ट्रेडों को आपको सिलेक्ट करना है, एंड उसमें से आपको जिसमें भी योजना जिस ट्रेड को आप सिलेक्ट करते हैं उन 3 ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में आपको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको न्यू यूजर क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड अधिक से अधिक अगर आपके कमेंट आते हैं तो जल्द ही हम आपको वीडियो बना कर देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।